चंद्रमा 3 की सफल लैंडिंग के लिए देश का हर शख्स दुआ कर रहा है। मंदिरों में पूजा, यज्ञ और हवन किए जा रहे हैं, तो मस्जिदों में चंद्रयान के लिए दुआ की जा रही है। खास बात यह है कि पाकिस्तान से भारत आए सीमा हैदर ने भी चंद्रयान की सफलता के लिए व्रत रखा है। सीमा हैदर ने एक वीडियो जारी कर ऐलान किया है कि जब तक चंद्रयान 3 अपनी मंजिल यानी कि चांद पर नहीं उतरेगा, तब तक वे व्रत रखेंगी। सीमा हैदर ने भगवान से प्रार्थना करते हुए संकल्प लिया है कि उनका व्रत चंद्रयान के सफल लैंडिंग तक जारी रहेगा। सीमा ने कहा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी वे व्रत रख रही हैं, क्योंकि इससे भारत का दबदबा दुनिया में बढ़ेगा। वे राधा कृष्ण को बहुत श्रद्धा रखती हैं, उन्हें उम्मीद है कि भगवान उनकी मुराद जरूर पूरी करेगा। सीमा का कहना है, चंद्रयान की सफलता के लिए प्रधानमंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं और भारत देश का नाम दुनिया में होगा। गौरतलब है कि अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। UPATS ने कुछ दिन पहले उनसे पूछताछ भी की थी। सीमा के पति सचिन मीणा और ससुर नेत्रपाल ने भी घंटों पूछताछ चली थी। सीमा हैदर समय समय पर खुद को भारतीय और हिंदू होने का सबूत देती हैं। कुछ दिन पहले 15 अगस्त को उन्होंने अपने परिवार के साथ छत पर जाकर तिरंगा फहराया, साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर सीमा हैदर तिरंगा कलर की साड़ी पहनी हुई नजर आई थी। आपको बता दें कि लगातार सीमा हैदर और सचिन मीणा की स्टोरीज जमकर वायरल होती है। सीमा कुछ भी करती है तो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड फैल जाता है। ऐसे में अब सीमा ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए व्रत रखा है, जो कि काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी बन गया है और हर किसी की नजर अब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर ही टिकी हुई है। सीमा की अगर बात बताएं तो 2 दिन पहले हरितालिका तीज और नागपंचमी का त्यौहार भी सीमा हैदर ने परिवार के साथ मनाया। इसका वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। सीमा हैदर का कहना है कि सचिन मीणा से शादी के बाद वे पूरी तरह से हिंदू हो चुकी हैं, हिंदू त्यौहार मनाती हैं। सीमा इस साल मई में अपने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को छोड़कर नोएडा चली आई थी। उनका कहना है कि गुलाम 3 साल पहले ही उन्हें छोड़ चुका है। गुलाम से सीमा के 4 बच्चे भी हैं। तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।